दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे डीडी फ्रीडीज के सेटअप बॉक्स में नए चैनल ऐड करने के लिए हमको कौन सी सेटिंग करनी चाहिए ताकि हमारे सेटअप बॉक्स में दोस्तों यहां पर सारे के सारे चैनल ऐड हो जाएं। तो इसकी दोस्तों यहां पर कम्प्लीटली मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमको नए चैनल ऐड करने के लिए हमारे डीडी फ्रीडीज के सेटअप बॉक्स में हमको क्या करना चाहिए कि हमारे सेटअप बॉक्स के अंदर जो पहले से चैनल जो पहले से ऐड हैं उन सारे चैनल को दोस्तों डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम जैसे ही दोबारा हम चैनल ऐड करेंगे तो जो पहले से चैनल है वो भी दोस्तों उनके साथ में हमको दिखेंगे और हो सकता है काफ़ी सारे चैनल हमको डबल डबल बार दिखाई दें। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो पुराने चैनल हैं उनको डिलीट करके ही स्कैन करना चाहिए ताकि हमारे सेटअप बॉक्स में केवल एक ही बार जो है चैनल ऐड हो, कोई चैनल डबल डबल बार वहाँ पर ऐड नहीं हो। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमारे डीडी फ्रीडीज के सेटअप बॉक्स में नए चैनल ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले हम इस चैनल को जो कि मेरे सेटअप बॉक्स में पहले से हैं उनको यहाँ से डिलीट करना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर इन चैनल को डिलीट कर देता हूँ। तो चैनल को डिलीट करने के लिए सिंपली दोस्तों रिमोट का मेन्यू बटन प्रेस करना है और मेन्यू बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको चले जाना है नीचे एडिट प्रोग्राम में, और एडिट प्रोग्राम में जाने के बाद सिंपली दोस्तों आपको आ जाना है डिलीट ऑल प्रोग्राम में और यहां से सभी के सभी चैनल को दोस्तों आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे के सारे टीवी चैनल को डिलीट कर दिया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नो टीवी प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब दोस्तों सिंपली यहाँ से बैक हो लेना है। बैक होने के लिए वापस रिमोट का मेन्यू बटन दबाना है और इस बार दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो रेडियो के चैनल हैं उनको भी दोस्तों यहां से डिलीट कर देंगे। तो अगर आपके सेटअप बॉक्स में रेडियो के चैनल भी भरे हुए हैं तो उनको भी दोस्तों यहां से डिलीट कर दीजिएगा ताकि हमारे सेटअप बॉक्स में जो मेमोरी है वो यहां पे थोड़ी फ्री हो सकें। तो यहां पे देख सकते हैं मेरे सेटअप बॉक्स के अंदर 8 रेडियो के चैनल हैं, तो इनको भी मैं दोस्तों यहाँ पर डिलीट कर दूँगा। तो इनको डिलीट करने के लिए सिंपल से वापस वही आपको मेन्यू बटन प्रेस करना है और मेन्यू बटन प्रेस करने के बाद वापस से आपको एडिट प्रोग्राम में जाना है और वापस से आपको डिलीट ऑल प्रोग्राम में जाना है और सिंपली यहाँ पे ओके के ऊपर आकर के सिंपली रिमोट का ओके बटन आपको दबा देना है। तो ये चैनल दोस्तों यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे नो रेडियो प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम रेडियो और टीवी के चैनल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद दोस्तों सिंपली हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि जो टीवी चैनल इससे उसको वापस से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जैसे हम दोबारा चैनल ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे टीवी चैनल दिखाई दे। अब दोस्तों नए चैनल ऐड करने के लिए हमको यहाँ पर रिमोट का मेन्यू बटन दबाना होगा। तो मैंने यहाँ पे रिमोट का मेन्यू बटन दबा दिया है और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है प्रोग्राम सेटअप में, और इसमें आने के बाद दोस्तों आपको 3-4 यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको इनमें एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो स्कैन का, हो सकता है आपके सेटअप बॉक्स में ऑटो सर्च का यहाँ पे ऑप्शन हो। तो सिंपली इसको दबाना है और इसको दबाने के बाद सिंपली दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का सेटअप खुल के आता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ सेटिंग्स करनी होगी और उसके बाद में यहाँ पर डीडी फ्रीडीज की सेटअप बॉक्स को हमें ऑटो स्कैन करना होगा ताकि सारे के सारे चैनल हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड हो जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों जो LNB फ्रीक्वेंसी है, स्कैन मोड है, बाई स्कैन, DC/QC, इनका यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हमको करनी होती हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हमको सेटिंग्स करनी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो LNB फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हमको सेटिंग करनी होती है। यहाँ पे हमें जो है LNB फ्रीक्वेंसी डालनी होती है। तो आप चाहें दोस्तों यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आपके सेटअप बॉक्स में फ्रीक्वेंसी डली हुई है उसको भी आप ले सकते हैं या फिर आप दूसरी फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी होती है अपने सेटअप बॉक्स के अंदर MPG2 सेटअप बॉक्स के अंदर वो 0.5150 या फिर 09750 होती है। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी में से दोस्तों आप कोई सी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो दोनों कॉलम में दोस्तों सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी नहीं हुई तो दोस्तों यहाँ पे सारे चैनल आपके सेटअप बॉक्स में ऐड नहीं हो पाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो ये हमारा सेटअप बॉक्स है नॉर्मल सेटअप बॉक्स है, बिना HD वाला सेटअप बॉक्स है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे केवल सिंगल फ्रीक्वेंसी ही डलती है, सेम फ्रीक्वेंसी ही डलती है। बाकी अगर आपके पास HD सेटअप बॉक्स है तो वहाँ पर दोस्तों आपको यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी डालना होगा। यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी में दोस्तों आपको लोअर केस के अंदर यानी कि जो इधर वाला जो कॉलम है इसके अंदर आपको 09750 डालना होगा और आगे वाले इस बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको डालना होगा 10600। तो ये यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी होती है और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी होती है, बाकी नॉर्मली यूनिवर्सल में यही डाली जाती है। और बाकी जो नॉर्मल सेटअप बॉक्स हैं उसके अंदर केवल आपको सिंगल फ्रीक्वेंसी डालना है, या तो डालना है 0.5150 या फिर डालना है 09750। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5150 यहाँ पर डला हुआ है। तो मैं इन्हीं फ्रीक्वेंसी को दोस्तों यहाँ पे रहने देता हूँ और नीचे आता हूँ स्कैन मोड में। तो यहाँ पे आपको ऑल का और फ्री का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे फ्री करके रखना है क्योंकि हमें यहाँ पे फ्री वाले चैनल ही स्कैन करने हैं। और नीचे आना दोस्तों यहाँ पे 22K पे, और यहाँ पे 22K को ऑन या ऑफ़ करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर सिंपली हम DD/FreeDSK के चैनल स्कैन करते समय यहाँ पे इसको ऑफ ही रखेंगे।
और नीचे आते हैं यहाँ पे डीसी क्यूसी, इसी को भी हम दोस्तों यहाँ पे ऑफ ही रखेंगे। अगर दोस्तों आपने डीसी क्यूसी स्विच का प्रयोग किया है, यानी कि आपने एक से ज़्यादा डिशों को अपने सेटअप बॉक्स के साथ कनेक्ट कर रखा है डीसी क्यूसी स्विच के माध्यम से, तो आपको दोस्तों यहाँ पे उसका जो पोर्ट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन से पोर्ट पर आपने LNB लगा रखी है डीडी फिडिस के लिए, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके अंदर हमको LNB 4, LNB 3, LNB 2 और LNB 1 का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। और अगर हमने एक ही डिश लगा रखी है हमारे सेटअप बॉक्स के साथ में, तो सिंपली इसको यहाँ पे ऑफ रखना है। तो ये सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ पे कर लेना है और सिंपली अपने रिमोट का ओके बटन आपको दबा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने रिमोट का ओके बटन दबा दिया है। जैसे दोस्तों हम रिमोट का ओके बटन दबाते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का सेटअप खुल के आता है, जिसके अंदर दोस्तों सबसे ऊपर लिखा है ऑटो स्कैन, यानी कि ये ऑटो स्कैन का सेटअप है। यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना होगा, हमारे रिमोट को साइड में रख देना होगा और जब तक सारे चैनल स्कैन नहीं हो जाए तब तक हमें रिमोट का कोई बटन नहीं दबाना है, यहाँ से बेक नहीं होना है। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे सारे चैनल स्कैन नहीं हो पाएंगे और बीच में हमारी स्कैनिंग जो रुक जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक साइड में हमारे टीवी चैनल आ चुके हैं 28, और इसी तरीके से दोस्तों दूसरी साइड में रेडियो चैनल भी दोस्तों इसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी स्कैनिंग जब तक 100% नहीं होती तब तक दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियो के और टीवी के दोनों चैनल हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड होते जा रहे हैं और प्रोग्रेसिंग अभी चल रही है, स्कैनिंग अभी कम्प्लीट नहीं हुई है और चैनल हमारे लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। टीवी चैनल हमें यहाँ पे 102 मिल चुके हैं, रेडियो हमें यहाँ पे 32 चैनल यहाँ पे मिल चुके हैं और टीवी के दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल बढ़ते जा रहे हैं, 139 अभी तक हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 156 चैनल दोस्तों हमारे इस डीडी फ्रीज के सेटअप बॉक्स के अंदर यहाँ पे टीवी के ऐड हो चुके हैं और 40 चैनल हमको रेडियो के यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो स्कैनिंग है वो कम्प्लीट हो गई है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इस हमारे सेटअप बॉक्स के अंदर MPG2 सेटअप बॉक्स के अंदर कौन कौन से चैनल देखने को फ़िलहाल मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बैक खोल लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 156 चैनल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक नंबर से आपको बता देते हैं कि कौन कौन से चैनल डीडी फ्रीडिस के सेटअप बॉक्स के ऊपर हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 1 नंबर से 9 नंबर तक हमें यहाँ पर जी के काफ़ी सारे चैनल मिल जाते हैं, जैसे कि जी यूपी यूके हैं, G24 कलक हैं, जी राजस्थान न्यूज़ हैं, G24 तास हैं, जी पंजाब हरियाणा हैं, JMB छत्तीसगढ़ हैं, जी सलाम हैं, जी बिहार झारखंड हैं, जी दिल्ली NCR हरियाणा हैं और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आगे हमको बंदे गुजरात के नाम से काफ़ी सारे चैनल मिल जाते हैं। फिर इधर आगे दोस्तों आप देख सकते हैं DD नेशनल हमको मिल जाता है, DD न्यूज़ हमको यहाँ पे मिल जाता है और बाकी यहाँ पर वंदे गुजरात के नाम से काफ़ी सारे चैनल हैं। और आगे चलते हैं तो इधर आप देख सकते हैं हमें B4U मूवीज़ मिलता है, जिसके ऊपर दोस्तों काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को हमको मिलती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर वैदिक हमको यहाँ पर मिलता है, FG मूवीज़ हमको यहाँ पर मिलता है, इशारा TV दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर सो बॉक्स मिल जाता है, सन मराठी मिल जाता है और DD इंडिया, DD किसान, DD रेट्रो यहाँ पे मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गुड न्यूज़ टूडे मिल जाता है, बिफोर यू भोजपुरी यहाँ पर मिल जाता है, समरा उमंग यहाँ पे मिल जाता है, जी गंगा यहाँ पर मिल जाता है, गोल्ड मिन्स भोजपुरी यहाँ पे हमको मिल जाता है और मनोरंजन प्राइम दोस्तों यहाँ पर हमको मिलता है, मनोरंजन ग्रांड हमको यहाँ पर मिलता है, समराव मराठी यहाँ पर हमको मिलता है, DD के कुछ चैनल और हमें यहाँ पर मिल जाते हैं जैसे कि DD पंजाबी हमको यहाँ पर मिलता है, FG कूल दोस्तों यहाँ पर हमको मिलता है, जी बायोस्कोप चैनल दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं और भोजपुरी सिनेमा दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दंगल हमको मिलता है, समराव TV यहाँ पर मिलता है, संसद TV के नाम से भी चैनल यहाँ पे हमको मिलते हैं और स्पोर्ट 18 खेल हमको यहाँ पर मिलता है, फकत मराठी दोस्तों हमको यहाँ पर मिलता है। दोस्तों अगर आपके सेटअप बॉक्स में कोई चैनल नहीं आ रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी आप नोट कर सकते हैं और इस फ्रीक्वेंसी का यूज करके दोस्तों आप जो हैं अपने DD फ्रीडिस के सेटअप बॉक्स में इन चैनल को ऐड न्यू प्रोग्राम में जा करके दोस्तों आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं हमको गोल्ड मिन मिलता है, द क्यू मिलता है, सिनेप्लेक्स बॉलीवुड मिलता है, गोल्ड मिन्स बॉलीवुड मिलता है, दंगल 2 मिलता है, इसके अलावा रिश्ते सिनेप्लेक्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, मूवी प्लस यहाँ पे हम देख सकते हैं, मनोरंजन मूवीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बिग मैजिक आपको मिल जाता है और बिफोर यू कड़क दोस्तों यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। आगे दोस्तों और भी काफ़ी सारे चैनल हैं जैसे कि दिनचाक 2 हैं, एंटरटेन हैं, आज़ाद हैं, NDTV इंडिया है, जी अनमोल सिनेमा है, जिंग है, फिल्मेची भोजपुरी हैं, आस्था है यहाँ पर और TV9 भारतवर्ष हैं, इसके अलावा मनोरंजन TV हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे चैनल दोस्तों हमको DD फ्रीडिस के ऊपर मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में।
और यहाँ पे देख सकते हैं पॉपकॉर्न मूवीज़ हमको यहाँ पे मिलता है, संस्कार टीवी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, स्टार उत्सव मूवीज़ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ 18 इंडिया भी मिल जाता है, 9XM यहाँ पर मिल जाता है, सोनी वहाँ दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जी हिंदुस्तान, इंडिया न्यूज़ और म्यूजिक के और भी चैनल दोस्तों यहाँ पर हैं, जैसे MTV बीट्स हैं, मस्ती चैनल हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जी पंजाबी चैनल हमको देखने को मिलता है, और न्यूज़ के भी काफ़ी सारा चैनल दोस्तों यहाँ पे हमको मिल जाता है, जैसे कि जी न्यूज़ हैं, ABP न्यूज़ हैं, आज तक हैं, रिपब्लिक भारत हैं, टाइम नव भारत हैं, और न्यूज नेशन हैं, इस तरीके दोस्तों यहाँ पे चैनल मिल जाते हैं। और इधर दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूज़ 24 थिंक यहाँ पर मिलता है, फूड यहाँ पर चैनल हमको मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे दूरदर्शन के चैनल हमको मिल जाते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से। और आगे दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे दूरदर्शन के चैनल हैं, और इधर भी यहाँ पे दूरदर्शन के चैनल हैं, और इधर भी दोस्तों यहाँ पे दूरदर्शन के चैनल हैं, और इधर भी यहाँ पे दूरदर्शन के DD PM विद्या के नाम से काफ़ी सारे चैनल हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे इस सेटअप बॉक्स के अंदर टोटल 156 चैनल यहाँ पर एड हो चुके हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों आगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।